आइए 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स आज केमिस्ट्री की क्लास में प्रेजेंट होने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। मैं निराला सर आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये तीसरा क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये हमारा चैप्टर रहा और इसमें जो टॉपिक हम लोग चल रहे थे कल, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल स्मरण है ना। तो विद्युत रासायनिक सेल की चर्चा हम कल कर रहे हैं, तो बताए थे कि विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और ए बता रहे थे दो तरह का, जिसमें एक बताए थे प्राइमरी सेल, ठीक है, तो एक बताए थे प्राइमरी सेल और दूसरा था सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल का कल एग्जाम्पल हम ब्राइट सेल लेके चला था, जिसको आपने शुष्क सेल कहा, जिसको लेकलांचे सेल का संशोधित रूप माना। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल के बारे में जो दूसरा सेल हमने जो बता रहे थे सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल यानी जिसको कहते हैं द्वितीयक सेल, और द्वितीयक सेल के बारे में हम यही बता रहे थे कि जिस सेल को डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जाता है तो उसी को सेकेंडरी सेल कहते हैं या द्वितीयक सेल कहते हैं। बताए थे द्वितीयक सेल से जो बैटरी बनाया जाता है वही बैटरी चार्जेबल होता है। जैसे सोचिए आपके मोबाइल में, अब आपकी मोबाइल में जो बैटरी है देखते हो चार्ज करते 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 डिस्चार्ज हो जाता है, आप लोग बोलते हैं कि इसको चार्ज कर दीजिए, ठीक है जी। तो इसको चार्ज कर दिए तो आपने बताओ जैसे चार्ज करते हो हमने बताया था कि रिएक्शन का डायरेक्शन पलट जाता है, जैसे कि देखा जाए वैसे ही चार्जेबल सेल का एग्जांपल हम लिए हैं, यानी लेड संचायक सेल। देख रहे हो लेड संचायक सेल का यही जो है स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं। इसमें बता रहे थे कि देखा जाए इसमें सबसे पहले तो बताया कि सेल का मतलब है हुआ कि कोई ना कोई कंटेनर लेना होगा, पॉट्स लेना होगा, कोई बर्तन लेना होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक बर्तन लेकर के चले हैं और उस बर्तन के भीतर देखिए लेड का देखिए दो को हम लोग ग्रीड यानी लेड का दो छड़ डाले हैं, बात समझ रहे हो। तो पहला जो छर जो शीशा का हो गया लेड का जो छर है इस पर बाहर से किसी तरह से कोई मतलब हम लोग क्लॉटिंग नहीं किए, मतलब किसी तरह का परत वरत ऊपर से नहीं निमाए। लेकिन सेकेंड जो देख रहे हो एक लेड का जो रॉड है ग्रिड है इसके किनारे 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 देखिए ये लेड ऑक्साइड का एक परत मारा हुआ है, बस मरे हो। यहाँ पर जो लेड संचायक सेल ने पहले लिखेंगे इसमें एक बर्तन होता है जिसमें लेड के दो छर जो है लटके हुए रहते हैं, एक जो है लेड मतलब के ऊपर किसी तरह का कोई लेपिंग का काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा जो होता है लेड की छर उस पर लेड ऑक्साइड एक परत मारा रहता है। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हो गया देखिए यहाँ पर एक बिलियन लिए हैं बर्तन में सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन देखिए यहाँ लिखा हुआ लेड सल्फेट का सॉल्यूशन है, लेकिन इसी में 20% H2SO4 का भी बिलियन मिश्रित कर दिया गया है। मतलब अब समझिए कि इसमें दो तरह का बिलियन हो गया, एक बिलियन आपने देखा लेड सल्फेट का बिलियन लिए संतृप्त, बताया थे बिलियन में वो सैचुरेटेड होता है, कौन सैचुरेटेड होता है, तो लेड सल्फेट PbSO4 यानी लेड सल्फेट का एक संतृप्त बिलियन लिए हैं और उसी बिलियन में 20% H2SO4 का बना हुआ चलिए बिलियन मिक्सिंग कर देते हैं और यही जो होता है H2SO4 और दूसरा कहता है लेड सल्फेट, ये दोनों विद्युत अपघट का इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, यहाँ पर देखिए तो हमने बोलिए तो ये जो देखा गया PbSO4 और H2SO4 का बिलियन भर दिया गया है। देखिए फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका मेन है स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर में मैंने कौन कौन सी हम क्या लिए हैं, कौन क्या काम कर रहा है, मतलब कौन के नोड का काम कर रहा है, कौन के फोर्ट का काम कर रहा है, कौन वैद्युत और घट का काम कर रहा है, यहाँ पर कोई भी चीज लिया तो क्यों लिया, वो आखिर से क्या जरूरत रहा, बस रहे हो। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक बतिस्ती स्ट्रक्चर बता रखे कंस्ट्रक्शन के, इसमें क्या क्या चीज होता है। अब देखिए सवाल होता है रिमेन रिएक्शन, यानी रिएक्शन जो हम लोग कर रहे हैं सेल अभिक्रिया सेल रिएक्शन, तो वही सेल रिएक्शन समझने की बात है। आप लोग तो रिकॉर्डिंग सुन करके भी इसको लिख सकते हैं। जब आपने फिगर को मैं समझा दिया तो फिगर के बारे में कौन क्या क्या चीज बगल में लिख भी दिए हैं। अब इसके बाद क्रिया विधि बोलता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, तो क्रिया विधि बताने के लिए लोग क्या करते हैं, तो वही हम लोग सेल रिएक्शन शो करना पड़ता है। अब सेल रिएक्शन के लिए देखा जाए, समझ जाइए मजेगा। तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले हम लोग देखिए सेल अभिक्रिया में बताया कि अगले दिन भी कि सबसे पहले हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं वो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, क्या करते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए गर्मी ज्यादा रहती तो देखा जाए यहाँ पर सेल अभिक्रिया में सबसे पहले ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। पहले कई बार सेल निरूपण भी लिखा है कि जब भी सेल निरूपण दिखाना हो तो सबसे पहले ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण के बाद तक पीछे दिखाना है अवकरण, बस रहे हो। जब भी दिखाना तो पहले ऑक्सीकरण, ये हमेशा दिमाग में रहे। बताए थे कल भी कि सेल अभिक्रिया में पहले अर्ध सेल दोनों बांटेगा, मतलब एनोड पर होने वाला रिएक्शन को पहले लिखेगा, तब कैथोड पर होने वाला रिएक्शन को हम लिखेंगे, जैसे कि सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ग्रिड को चालक तार यानी कंडक्टर वायर के द्वारा जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर जो विभवांतर नापने का काम करता है, और यहाँ पर देखिए दाब कुंजी स्विच लगा दिए। तो जैसे स्विच को ऑन करते हैं वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लेड का ऑक्साइड को देख रहा है, यहाँ से जो है करंट जो है इस तरह से निकल करके और वो ये लेड की छर की तरफ यानी आ रहा है, यानी वोल्ट मीटर की जो सुई है, ये सुई जो है इस साइड से जो है ऐसे सुई होते हैं, वो जैसी करंट गया इस तरह से सुई का जो है इस तरह से रिमूव कर लिया। अब यहाँ वोल्ट मीटर की जो नीडल है सुई, उस सुई को देख करके हमने पता लगा लिया कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो करंट की डायरेक्शन आपने देखा कि लेड जिसके ऊपर लेड डाइऑक्साइड की ये जो फ्लैपिंग है लेप है, यहाँ से करंट निकल करके और लेड की देखिए ग्रिड यानी रॉड की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो लेड की जो आपका रड है शीशा की जो छर है, यहाँ से निश्चित है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में चलेगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा। जब करंट जा रहा इधर से आ रहा है इधर की तरफ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो है वह जो लेड की जो छर है वह लेड की छर से देखिए वह देखा जाए लेड ऑक्साइड की तरफ आया, बस समझिएगा। मेन जब तक हम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक कंडक्टर वायर चालक तार से हम नहीं जोड़ते हैं तब तक ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कैथोड का काम कौन करेगा, एनोड का काम कौन करेगा। तो इस बात का जो है डिसीजन लेना है तो अब वोल्ट मीटर में लगा हुआ जो नीडल है वह नीडल किस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, इसी को देख करके हम लोग पकड़ लेते हैं। जैसे कि देखा होगा आप लोग के घर में स्टेबलाइजर होते हैं, तो स्टेबलाइजर में देखता है नीडल सुई होती है और वो सुई की डायरेक्शन बताती है कि करंट किस साइड से किस डायरेक्शन से किस तरफ जा रहा है। जैसे देखता है कि कोई मालते इलेक्ट्रिक वायर है, अब इस इलेक्ट्रिक वायर में डायरेक्शन किधर है करंट का, तो ये आप वोल्ट मीटर से पता लगा सकते हैं, बात समझ रहे हो। तो वोल्ट मीटर से ही हमने पता लगा लिया कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है। तो आइए लेकिन सबसे पहले तो बताइए जो काम कर रहा है एनोड का, उसी एनोड पर से रिएक्शन को पहले क्लियर कीजिए।
हमने बताया कि आपको ये टैग और सेल बता दिया, तो एनोड में प्राय तुम लोग यही बताते हैं कि एनोड का जो कार्य कर रहा है, चाहे वो मेटल हो या कोई दूसरा भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, तो जैसे बोलता है कि यहाँ पर देखिए मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक मतलब है कि इसमें लेड में से सीसा के कुछ परमाणु जो है वह इलेक्ट्रॉन यहीं पर त्याग करके अब खुद विलयन में सॉल्यूशन में गिर जाता है, सॉल्यूशन में विलीन हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सीबी लिए हैं, ये बताओ सीसा है और सीसा के अंदर में देखिए बहुत सारे परमाणु हैं। ये परमाणु क्या कर रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन को यहीं पर छोड़ करके और देखिए किस तरह से सॉल्यूशन में घुस गया। तो यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति में फर्स्ट में ही बताया कि सीसा की परमाणु, सीसा की एक परमाणु ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके और देखिए लेड पीवी टू पॉजिटिव में बदल गया, यानी पीवी के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और खुद देखिए विलयन में कूद गया। अब विलयन में देखिए कूद गया कौन, पीवी ओ टू लेड आयन। अब पीवी ओ टू जैसे आएगा सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन था पीवी एसओ फोर का, एस टू एसओ फोर का, तो इसमें एसओ फोर यानी सल्फेट आयन सॉल्यूशन में था, वो जैसे सल्फेट आयन मिला लेड आयन को इसके साथ अट्रैक्ट करके और दोनों कंपाउंड बना दिया जिसको लेड सल्फेट कहते हैं, PbSO4 कहते हैं। तो एक तो एनोड हुई ऑक्सीडेशन, पहले दिखाना ऑक्सीडेशन, बस सरल सरल करना है, पहले जब भी दिखाना रहे रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन दिखा देना है, ऑक्सीडेशन हो गया तो समझो कि अर्ध सेल रिएक्शन हो गया। आप देखिए यहाँ दो स्टेप में इसको लिए हैं, तो दोनों स्टेप को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा फाइनल, तो एक पीवी टू पॉजिटिव से पीवी टू पॉजिटिव को कैंसिल कर दी, तो बाकी बच गया पीवी और यहाँ बच गया एसओ फोर टू निगेटिव। आइए यहाँ पर बन जाते हैं पीवी एसओ फोर और प्लस टू इज इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर याद कीजिएगा कि जब भी यहाँ चिंदना है तो रिवर्सिबल देना है, जब भी यहाँ चिंदना है तो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कहले पता रहे तो तुम्हें याद होगा कि ए रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, मतलब लेफ्ट से राइट होता है और राइट से लेफ्ट, क्योंकि ब्लैक बोल दिए कि उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, चार्जेबल है, और इसका कारण यही है कि सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होती है वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, माने उसको आप चाहें तो फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको पलट सकते हैं। तो ए एनोड की बात हम कर रहे थे, तो एनोड पर से देखिए इस वायर से इलेक्ट्रॉन निकल करके देखिए जा रहा है यहाँ पर कैथोड पर आ रहा है, कैथोड पर देखिए कौन है, पीवी ओ टू है। आइए यहाँ पर लिखते हैं पीवी ओ टू है, आइए पीवी ओ टू जो है हुआ हुआ जो क्षय है ये पीवी एसओ फोर का विलयन है, जलीय विलयन है, इधर मतलब इसमें जल भी है। और आप जानते हैं पहले से कि कोई भी धातु का ऑक्साइड होता है वह जल में अगर घुलता है तो समझिए वो धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यहाँ पर याद करेंगे सभी लड़के यानी सीसा, तो सीसा जो पीवी जिसको प्लंबम कहते हैं, अब प्लंबम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वह चेंजेबल होता है, बात याद कीजिएगा, यानी पीवी का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वह देखते हैं कभी प्लस टू होता है तो कभी प्लस फोर होता है, इसलिए यहाँ प्लंबम जिसको पीवी कर रहे हैं ये पीवी का वैलेंसी दो होकर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जा रहा है, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर इसका दो हुआ है, लेकिन आइए ये पीवी ओ टू यानी लेड ऑक्साइड जैसी जल के संपर्क में आता है ये रिएक्शन करने के बाद बताता है प्लंबिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, माने लेड हाइड्रोक्साइड। तो कैथोड पर कहानी देखिए, ये जो कैथोड है जहां पर लेड ऑक्साइड की परत है, यहां बाहर में से चारों तरफ देखिए जल के अणु है, जल के अणु के साथ पहले रिएक्शन करके लेड हाइड्रोक्साइड बना दिया। अब बताओ कि यहाँ H2SO4 था, तो SO4 को तो बताओ PB2 पॉजिटिव यहाँ पर लिया, तब बाकी बच गया यहाँ पर हाइड्रोजन आयन,
ए हाइड्रोजन आयन देखिए यहाँ PbOH का होल फोर और प्लस फोर एच यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो बताओ कि यहाँ हाइड्रोजन आयन चार मिल रहे हैं और सल्फेट आयन के मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ सल्फेट आयन यहाँ भी आया। अब देखिए यहाँ पर तीनों जब संपर्क में आया तब Pb ये ले लिया SO4 को और एक बना दिया PbSO4 यानी लेड सल्फेट, और दूसरा देखिए ये हो गया 4H पॉजिटिव और OH का होल 4 का एक देखिए रिएक्शन करके बना दिया 4H2। क्या बना दिया 4H2। बस कर अपने जहां पर दिक्कत हो वहां पर कुछ आप लोग इधर से बताएंगे कि कहां पर सब प्रॉब्लम है। कारण की केमिस्ट्री के लिए बताए कि रिएक्शन ही मेन जो होती है, केमिकल रिएक्शन की द बोन ऑफ द यानी समझिए कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं या और भी केमिस्ट्री में मेन रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन को जितना तोड़ तोड़ करके आप समझते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री कोई क्लिष्ट सब्जेक्ट नहीं होती है। होता है क्या दरअसल में कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वह जनरली रिएक्शन को रटना चाहता है, टीचर लोग रिएक्शन को रटवाना चाहते हैं, बट मैं तुम लोग को चाहता हूँ रिएक्शन को रटाना नहीं समझाना चाहता हूँ। अगर आप एक बार सही सलामत रिएक्शन को आप डील करना सीख जाते हैं तो केमिस्ट्री की कोई भी कारण कोई भी रीजन वो तुम खुद लिख सकते हो, खुद बता सकते हो, किसी टीचर के कहने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, केवल उसका आप जो है तोड़ने के लिए उसकी वैलेंसी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर के लिए यानी फिजिकल केमिस्ट्री का अगर नॉलेज रखते हैं तो फिर रिएक्शन कहीं रटने की जरूरत नहीं है। आइए देखिए इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करते जा रहे हैं, कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसा कि देखिए फिगर सामने है, रिएक्शन सामने है। आइए तो यहाँ पर PbSO4 प्लम्बिक सल्फेट यानी लेड सल्फेट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 4 लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 था। तो आइए यहाँ पर बन गया PbSO4 का होल 2 हो गया। अब ये PbSO4 का होल 2 जब टूट गया आयन के रूप में तो हो गया Pb4 पॉजिटिव प्लस TbSO4 2 नेगेटिव। अब देखा जाए Pb4 पॉजिटिव है लेकिन यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन दिया गया था 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का भाव यहाँ पर लेड के परमाणु यहाँ पर बताइए एनोड पर त्याग कर गया था और यहाँ पर Pb4 पॉजिटिव हो गया, तो Pb4 पॉजिटिव के पेट्रोल के पास और ऊपर सारा कौन सी इलेक्ट्रॉन, तो एक आयन को देखते 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया बाकी बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 4 में इलेक्ट्रॉन का तो नहीं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसमें इंटर कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज 2 कम जाएगा तो यहाँ पर बाकी बच गया 2 पॉजिटिव। अब ये चारों जो स्टेप में रिएक्शन दिखाए हैं ये खास तरह समझने के लिए, होता क्या है कि कभी कभी जो चारों रिएक्शन को ऐड करके जो मेन रिएक्शन जो नीचे दिए हैं टीचर लोग या तो बच्चों को रटा देते हैं या तो बच्चों को कहते हैं कि इसको रट जाइए या तो आप कहते हैं कि चलिए नए को ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक रिएक्शन को आप डील नहीं करते हैं इसके अगले नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वह फिर केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोग की जरूरत है रिएक्शन, रिएक्शन समझ आते हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थी को मालूम है कि इस वर्ष की एग्जाम कुछ और ही होने जा रहा है, सिलेबस की माने कुछ और ही आपको हो जाए, हो सकता है कि सिलेबस में कटौती की जाएगी, हो सकता है कि टाइम न बचे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही से आप लोग का रिजल्ट शो कर दिया जाएगा, माने कुछ भी संभावना हो सकती है। अभी जैसा कि तुम लोगों का जो चल रहा है कोरोना की स्थिति, अगर इसी तरह से इंक्रीज होता चला गया तो लॉकडाउन बढ़ते चले जाएंगे और हम लोग के पूरे वर्ष इसी तरह से क्लास मतलब लेते रहना होगा। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में कोई दिक्कत भी होगी तो हमें फिर वो या तो कॉल करके पूछ लेंगे कहीं पर प्रॉब्लम है रिएक्शन समझ में। तो आइए तो ए हो गया रिएक्शन यहाँ देखिए फर्स्ट अर्ध सेल अभिक्रिया और ए हो गया अर्ध सेल अभिक्रिया, इसको ऐड कर दिया है। अब दोनों को अगर पूरा कर देना है सेल रिएक्शन तो देखा जाए लिखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट हो गया सेकंड ए हो गया। अब दोनों को देखिए ऐड किए हैं इस साइड में जो है से उसको उस साइड में देखते हुए दोनों को लिखना है, तो यहां से देखिए पीबी हो गया
यहाँ से कितने भी ओ टू हो गया, यहाँ से SO4 है, यहाँ से SO4 हो गया, यहाँ H है, तो H और SO4 मिलकर के SO4 बना लिया। अब यहाँ से के दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बाकी साइड में बच गया तुम्हारा कौन सी PbSO4 यहाँ बच गया है नहीं, और इस साइड में भी देखा है PbSO4, हाँ PbSO4 यहाँ पर बच गया है आपका लास्ट में, ठीक है ना। और उसके बाद देखा गया यहाँ से H2O 4H2O था, तो इसमें 4H2O में देखा गया है मतलब यहाँ से Pb हो गया, SO4 हो गया, तो यहाँ से 4H हो गया, SO4 हो गया, तो इस तरह से Pb Pb O2 कितना देगा, H हो गया H SO4 हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इस साइड में Pb SO4 हो गया और यहाँ पर H2O हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे देखिए PbSO4, ठीक है PbSO4 हो गया है और यहाँ पर 4H2O कर दिया नहीं, तो इस तरह से देखा जाए मतलब H2O ये हो गया आपका है 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए इस तरह से हम लोग कर सकते हो कि मतलब ये तुम्हारा रिएक्शन चला नहीं, तो एक रिएक्शन तुम्हारा हो गया दोनों अर्ध सेल, और यहाँ पर अगर जोड़ देते हो तो पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गया। तो इस तरह समझिए विद्युत रासायनिक सेल में जो लेड संचायक सेल में जब तक दोनों जगह देखे क्रिया होती रही तब तक यानी कि आपको बाहर में करेंट मिलता रहा, जैसे देखिए यानी कि यहाँ पर रिडक्शन और यहाँ पर ऑक्सीडेशन ये जैसे होना बंद हो गया तो वैसे यहाँ पर वोल्ट मीटर का नीडल जीरो पर चल गया, मतलब समझिए सेल डिस्चार्ज हो गया। जब सेल डिस्चार्ज हो गया तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग बाहर से इसमें करंट देते हैं, बाहर से करंट देते हैं तो जो रिएक्शन आपने राइट साइड में देखा ये देखिए फिर पलटने लगता है, फिर PbSO4 टूटने लग गया, SO4 अलग हो जाएगा, Pb देखिए 6 पर चला गया। यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन जो दिखाया है वो फिर रिएक्शन उल्टा होने लग गया, तो इसका मतलब कि जब आप चार्ज करने लग गया तो जो रिएक्शन अभी हम लिख पाए हैं वो सारा रिएक्शन पलट जाएगा, और रिएक्शन पलट जाने पुनः जो स्थिति में पहले सेल था उसी स्थिति में आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से ये है आपका लेड संचायक सेल का स्ट्रक्चर, इसके बाद इसका जो हो गया रिएक्शन, रिएक्शन में कैसे कैसे क्या हुई कि पूरी कहानी को दिमाग में रखना है। अगर पूरी बात दिमाग में रखते हैं इसके बाद इस चैप्टर में मात्र एक सेल और बच जाता है, और वो सेल आपका होता है ईंधन सेल, इसको कहते हैं फ्यूल माने सेल बोलते हैं। आप देखिए कोई कहता है ईंधन सेल किसको कहते हैं, एक तो हो गया द्वितीयक सेल, इसके पहले प्राथमिक सेल, लेकिन बोल दिया अगर कोई आदमी कि एक होता है ईंधन सेल, तो कोई कहे कि ईंधन सेल किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि वैसा सेल जिस सेल के अंदर किसी दहनशील पदार्थ को यानी दहनशील पदार्थ का दहन करवा करके और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न किया गया, बात समझिएगा, वैसा सेल जिसके अंतर्गत दहनशील पदार्थ का दहन करा करके और विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लिया जाता है तो ऐसे सेल को कहते हैं ईंधन सेल, बस समझिएगा। आज के डेट में ये जो प्राथमिक और द्वितीयक सेल जो बता रहे थे ये तो हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हो, लेकिन जो खास करके अंतरिक्ष यान की बात करते हो, जब अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं महीनों महीना दिन के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में विद्युत ऊर्जा पैदा करने के लिए ऐसे सेल का प्रयोग न करके प्रयोग किया जाता है ईंधन सेल का, और ईंधन सेल के फिगर फिर हम लोग देंगे, लेकिन ईंधन सेल के बारे में यही समझेगा कि ईंधन सेल तो कई तरह के मार्केट में आ गई, वैज्ञानिक लोग बना लिए, लेकिन उस ईंधन सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दोनों गैस लेकर के जो सेल तैयार किया गया वही सेल सबसे सफल कर गया, वही तुम लोग को चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो चैप्टर में क्वेश्चन पूछते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है,
तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का मतलब यही समझना कि जिस ईंधन सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या बोल रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है, उस ईंधन का नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का हमने अगले दिन स्ट्रक्चर पढ़ देंगे, उसकी बनावट के बारे में समझाएंगे और तब उसके अंतर्गत होने वाला जो रिएक्शन है, सेल अभिक्रिया है, उसको बताएंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर इसमें कोरोशन पढ़ना है कि मेटल की कोरोशन कैसे होती है, मेटल का संक्षारण कैसे होता है। तो इतनी बातें और पढ़ने के लिए चैप्टर में है, आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, धन्यवाद।